आज रेश इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मेवे का नाम ले रहे हैं जो कई प्रकार की हमारे शरीर की बीमारियों को, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, त्वचा रोग, नींद का ना आना, खांसी, श्वास और धातुवर्धक बीमारियां, भूख का ना लगना या मुंह का स्वाद बिगड़ जाना किसी बीमारी के बाद, जिसका इलाज करता है हमारा मेवा, उस मेवे का नाम है मखाना। मखाना को कई भाषा में ताल मखाना भी कहते हैं, इसको फॉक्स नट भी कहते हैं। इसके अंदर आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन, प्रोटीन और कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स हैं, जिससे हमारी शक्ति वर्धक होता है, बाजीकर गुणों में फायदा करता है और शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है। यहाँ तक स्त्रियों के रोग, जिसके अंदर श्वेत प्रदर प्रमुख, वो भी ठीक हो जाता है। इसको लेने के कई प्रकार हैं। ये हल्का होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम तक, 15 से 20 ग्राम तक एक दिन में खाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। इसको हम स्नैक्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय जो हम चाय या नाश्ता करते हैं, बिस्कुट, आलू की टिकिया, समोसा या कोई और स्नैक्स, उसकी बजाय हम इनको हल्का सा ऑलिव ऑयल में या किसी भी शुद्ध तेल में हल्का सा सेक दे दें और उसके बाद सेंधा नमक और काली मिर्च का छिड़काव कर दें, जिससे टेस्ट हो जाए, तो उसको लेने से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। इसके अंदर इतने पोषक तत्व होते हैं कि हमारी शरीर की थकावट को भी मिटा देते हैं। मखाने में कोलेस्ट्रॉल, फैट और सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसको स्नैक्स के रूप में खाना और पचाना आसान रहता है। मखाने में मैग्नीशियम की अधिक और सोडियम की कम मात्रा होने की वजह से ये हमारे शरीर का हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि मोटापे को भी कम करता है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा बहुत कम होती है, जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज में के पीड़ित व्यक्ति को लाभ पहुँचाती है। इसमें एक ऐसा तत्व पाया गया है जिसे कैम्पेफोरोल कहते हैं। ये बॉडी के अंदर सूजन, किसी भाग में सूजन हो या उम्र के बढ़ने, एंटी एजिंग के काम भी आता है। आयुर्वेद में इसकी बहुत दवाइयां बनती हैं। मखाना ग्लूटेन मुक्त होता है, इसे प्रोटीन समृद्ध और कार्बोहाइड्रेट में उच्च होता है। कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे कि हम इसको खाने के बाद भी हमारा वजन नहीं बढ़ता। आज हमने इस मखाना के स्वास्थ्य के लिए कितने बेनिफिट हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। जिनको नींद नहीं आती, रात को तनाव रहता है, टेंशन रहती है या मन बेचैन रहता है, तो घबराहट होती है, उनको इसका प्रयोग करते रहने से उनका नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है। और तो और वैद्य हकीम या कई दवाइयों में मखाना का प्रयोग किया जाता है, जिससे डायरिया और लूज मोशन तक ठीक हो जाते हैं। जिनको कब्ज है, उनको ये जरूर खा लेना चाहिए 15 से 20 ग्राम, ताकि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर भी, जिनके अंदर जौन शक्ति कम हो जाती है, उनके लिए तो बहुत शुक्राणुओं को बढ़ाता है, यहाँ तक कि स्त्रियों के बांझपन में भी ये फायदा करता है। वजन कम करने में भी मैंने आपको बताया, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वजन, लेडीज के लिए वजन बढ़ना एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रहता है, उनको मखाना का प्रयोग करते रहना चाहिए और उनके झुर्रियां भी जो चेहरे पे या शरीर में आ जाती हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं। तो एक बात ध्यान करनी चाहिए कि इसको 20-25 ग्राम से ज्यादा कभी भी सेवन ना करें, क्योंकि ये फिर हमारे को फायदे की जगह नुकसान करने लग जाता है। ऐसी मान्यता बताया था कि हमारी पाचन तंत्र शक्तियाँ उससे विरुद्ध काम करती हैं। मखाने की तस्वीर ठंडी होती है, गर्मी और सर्दियों दोनों मौसम में खाया जा सकता है और ये बहुत शरीर के लिए लाभदायक है। इसकी खीर बनाकर भी खा सकते हैं। इसको भूनकर उसमें काला नमक डालकर फ्राई कर लें, ऐसे कर लें जैसे पॉपकॉर्न को करते हैं। मखाने खीर मशरूम के साथ भी मलाईदार व्यंजनों में भी बनाते हैं। ये होटलों में और ब्याह शादी की पार्टियों में इसके व्यंजन बनते हैं, इसकी सब्जी बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं जिनके अंदर ये प्रयोग किया जाता है। और तो और जोड़ों के दर्द में ये बहुत अच्छा लाभ करता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसलिए जोड़ों के दर्द में काम करता है। प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, कैल्शियम की कमी खत्म हो जाती है, शरीर के अंदर कोई
सूजन हो, बैक्टीरिया हो, उसमें भी आराम मिलता है। इस प्रकार से हमने देखा कि मखाना एक सूखा मेवा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी औषधि है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार की बीमारियों से हमें नेचुरल वे में सपोर्ट करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, उनको स्वस्थ रखता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और कोशिश करेंगे कि खुद भी खाना को खाएं और अपने मिलने जुलने वालों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।